बाजार में ऐसी कई नई नई चीजें हैं जिसको खाने से शरीर में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से जूझ रहे लोग अब ऐसी चीजों का सेवन करना चाह रहे हैं जिसमें अब लोग स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में बीकानेर की अलका ने लोगों को स्वाद के साथ सेहत सही रखने के लिए राजस्थानी यानी देसी तरीके से चीजें बना रही है। अलका गुड़ और बाजरे का उपयोग करके नई नई डिशेस तैयार करती है। आमतौर पर ब्राउनी चीनी से तैयार होती हैं, लेकिन अलका इस ब्राउनी को गुड़ से तैयार कर रही हैं। वहीं मिलेट्स का उपयोग करके बाजरे से बिस्किट बना रही हैं। अलका ने बताया कि ब्राउनी को बनाने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। बाजार में इस गुड़ से बनी ब्राउनी को 70 पर एक पीस बेचा जाता है। इसके अलावा बाजरे का बिस्किट 400 ग्राम को मीठे बिस्किट 260 रुपए और नमकीन 280 रुपए में बनाते हैं। इन बिस्किट को बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। जी सर, ये 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स है, इसमें लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और 200 मिलेट्स। ये 5 तरह के जो मिलेट है इन सबको कम्बाइन करके स्वीट और सॉल्टी 2 तरह के बिस्किट बनाए। शुगर फ्री पे भी काम चल रहा है, जल्दी वो भी आ जाएंगे। और ये बिस्किट मेरा ये थर्ड लोड बना है जो काफी अप्रिशिएट हुआ है और लोगों को हेल्थ बेनिफिट के साथ ये पसंद आ रहा है। कितने समय में बन जाता है ये बिस्किट? ये बिस्किट बनाने में सर टाइम लगता है क्योंकि इसकी सिकाई में थोड़ा सा समय नॉर्मल आटे से ज्यादा लगता है। और जैसे इन मिलेट्स की अगर अपन चपाती भी बनाते हैं तो नॉर्मल चपाती में इसको समय ज्यादा लगता है, तो इनकी सिकाई में। और ये बिस्किट से हेल्थ टू बेनिफिट, जैसे शुगर वाले पेशेंट इसको आराम से ले सकते हैं और अगर कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति इसको लेता है तो आगे बीमारियों से ग्रसित ही नहीं होगा। इसके अलावा मैं सब तरह की ब्राउनीज भी तैयार कर रही हूँ मिलेट्स के साथ और इनमें मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ, चीनी का नहीं कर रही हूँ। ब्राउनीज में मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल में रागी और ज्वार की है और वीट फ्लोर की ब्राउनी जो मैं गुड़ के साथ बनाती हूँ। आप घर पे ही बनाते हैं? जी सर, मैं खुद ही तैयार कर रही हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं डेली तैयार कर रही हूँ। नाम बता। जल्दी मैं चाहूंगी इसको कमर्शलाइज करना। मेरा नाम अंतर है और ममाज बेकरी एंड स्वीट्स।